हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सुप्स। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली वो वीडियो मैं लेके आ चुका जिसके लिए आप इतना दिन से वेट कर रहे थे। M9 रॉयल पास का ऑफिशियल टाइमिंग, उसी के साथ साथ जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस किया था, ये जो एनिवर्सरी रॉयल पास होने वाला है या होली धमाका रॉयल पास होने वाला है, इस पर मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो इस बार हम लोग 5 रॉयल पास का गिव अवे करने वाले हैं। 4 हम लोग यूट्यूब में करने वाले हैं और 1 डिस्कॉर्ड में। तो सिंपली आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर करना चाहते हो शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और अपना कैरेक्टर आईडी ब्रैकेट में वर्जन, अगर आप ग्लोबल वर्जन खेलते हो तो 9 या 10 डिजिट का जो कैरेक्टर आईडी आपका वो डाल दीजिए, ब्रैकेट में पबजी मोबाइल लिख दीजिएगा। अगर आप BGMI प्लेयर है तो आपको 9 या 10 डिजिट वाला कैरेक्टर आईडी आपको डालना है अपने प्रोफाइल का, ब्रैकेट में BGMI लिख दीजिएगा। एक ही बार आपको कमेंट करना है, स्पैम करोगे तो आपका जो कमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इवन जैसे कि बोला कि 1 डिस्कॉर्ड में गिव अवे होगा रॉयल पास का, तो डिस्कॉर्ड भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कुछ भी कंफ्यूजन होगा डिस्कॉर्ड में, मॉड से आप पूछ सकते हो, वो लोग आपको गाइड कर देगा। ठीक है, तो गिव अवे पता चल गया। 22 तारीख को हम लोग गिव अवे के रिजल्ट निकाल देंगे जिस दिन रॉयल पास आने वाला है। तो चलो अभी हम लोग BGMI या पबजी मोबाइल M9 रॉयल पास का कंप्लीट ऑफिशियल टाइमिंग देख लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। आपको इन्वेंट्री में जाना होगा और ये कुछ चीज़ें हैं उसको यूज़ करना होगा। सबसे पहले ये जो बैचेस आप देख पा रहे हो, 1 दिन 17 घंटा के अंदर ही आपको यूज़ करना होगा। कल मैं अपना वाला यूज़ करने वाला हूँ, लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ ये RP कार्ड भी यूज़ कर लेना, क्योंकि सबका सब एक्सपायर होने वाला है। और एक चीज़, ये जो सीजन पॉइंट है ये एक्सपायर नहीं होगा, तो टेंशन वाला कोई भी बात नहीं है, आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट सीजन का और मिलेगा तो वो भी ऐड होने वाला है। सीजन टोकन को यूज़ करने का जरूरत नहीं अगर आप नहीं चाहते हो तो। ठीक है, और बाकी का चीज़ तो आप सबको पता है। इवन इस बार आपका टीयर रिसेट भी होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। तो ये वीडियो में जितना भी टाइमिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये इंडियन टाइम है। अगर आप नेबरहुड कंट्री से देख रहे हो तो अपने रीजन में उसको कन्वर्ट कर लेना, इजीली आपको अपना टाइमिंग मिल जाएगा। ठीक है, M8 रॉयल पास का आखिरी दिन है 22 मार्च 5:29 AM IST। तो 22 मार्च 5:29 AM तक आप M8 रॉयल पास को एक्सेस कर सकते हो। 50 RP नहीं किया तो उसको 50 RP कर लो, और जो एक्स्ट्रा RP पॉइंट एंड बैजेस बचा है उसको यूज़ कर लेना। ठीक है, इतना लेट तक जाने का कोई जरूरत नहीं है, कल पूरा दिन में आप कभी भी यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो M8 का रॉयल पास का टाइमिंग पता चल गया, किस दिन खत्म होने वाला है। 22 मार्च 5:29 तक आखिरी रहेगा, 5:30 जैसे होगा तो आपका खत्म है M8 रॉयल पास। ठीक है, उसके बाद आप देख पाए RP लॉक। जी हाँ, RP लॉक भी होने वाला है केवल 2 घंटे के लिए। 22 मार्च 5:30 AM को आपका जो RP है वो लॉक हो जाएगा, और 2 घंटा बाद ये RP खुल भी जाएगा। तो 2 घंटा के लिए RP लॉक होने वाला है। बहुत कोई तो उस टाइम सोते भी रहते हैं तो उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ये टाइमिंग आप देख पा रहे, 22 मार्च 5:30 AM IST को हम लोग का 2 घंटा के लिए RP लॉक हो जाएगा M8 रॉयल पास का। उसका जो रैंक पूछ है वो कब तक चलेगा M8 रॉयल पास का, मैं आपको दिखा देता हूँ। 22 मार्च 7:29 AM तक आप M8 रॉयल पास का रैंक पूछ कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा के लिए रह गए हो, अपना रैंक पूछ आज के दिन तो पूरा कर ही सकते हो, कल भी पूरा दिन कर पाओगे, परसों सुबह 7:30 बजने का पहले तक ही आप केवल कर पाओगे। हम लोग का रैंक पूछ खत्म हो जाएगा C2S4 सीजन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आने वाला है C2S5 सीजन, और इधर आप देख पाए रैंक पुश स्टार्ट हो जाएगा नया वाला। 22 मार्च 7:30 AM का हम लोग का न्यू रैंक पुश स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हो। आप अपना जो सफ़र है कहाँ से स्टार्ट करने वाले वो भी मैं आपको थोड़ा ही देर में दिखाने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप अपना देख लो, नया सीजन कॉन्करर के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो फटाफट 22 मार्च को अपने स्क्वाड के साथ रेडी हो जाना, 7:30 बजे स्टार्ट कर लेना अपना जर्नी। ठीक है, उसके बाद आप देखें न्यू रॉयल पास। जी हाँ, यही रॉयल पास जो है सबसे एपिक रॉयल पास है। 22 मार्च 7:30 AM को आपका M9 वोकोंग प्राइम या बोल सकते हो वॉरफ्रेम कोलैबोरेशन का रॉयल पास आने वाला है। 22 मार्च 7:30 AM इंडियन टाइम आपको अपना नया रॉयल पास मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं लिंक्स दिखा चुका हूँ 1 से 50 RP तक का, अगर आपने लिंक्स एनी हाउ नहीं चेक किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। कल मैं एक और वीडियो लाऊंगा, थोड़ा बहुत मस्त वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूं बहुत ही जल्दी। उसके बाद मैं एक बोनस आपको टाइम दिखाने वाला हूं, जो कि अभी नहीं भी दिखाया चल जाता, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। M10 रॉयल पास आप देख पा रहे हो। जी हाँ, 20 अप्रैल 7:30 AM को हम लोग का M10 रॉयल पास स्टार्ट हो जाएगा। M10 रॉयल पास का मैं थोड़ा सा लिंक्स दिखाऊँ, मेरे पास लिंक्स आ चुका है। तो M9 रॉयल पास जैसे स्टार्ट हो रहा है उसके कुछ दिन में मैं आपको M10 रॉयल पास भी दिखा दूंगा पूरा टेक्स्चर के साथ, और गेम प्ले भी आ जाएगा तो मैं गेम प्ले भी दिखा दूंगा। तो न्यू रॉयल पास 20 अप्रैल 7:30 AM को हम लोग का M10 रॉयल पास आने वाला है, जो कि काफ़ी दिन है, बट मैं आपको बोनस टाइम दिखा दिया। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला टीयर रिसेट का, कहाँ आपका लीग आने वाला है। मैं आपको बता दिया कि आपका M9 रॉयल पास जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपका टीयर रिसेट भी हो जाएगा, नया आपको ट्रॉफी से खेलना पड़ेगा। तो अगर आप ब्रॉन्ज 1 से लेकर ब्रॉन्ज 5 तक रहते हो ये वाला सीजन में, तो नेक्स्ट सीजन में आपका रैंक कुछ भी अपग्रेड डाउनग्रेड नहीं होगा,
आप वही लीग में रहोगे, उधर से अपना जर्नी स्टार्ट करना होगा। उसके अलावा अगर आप सिल्वर वन से सिल्वर फाइव तक रहते हो तो आपका भी ट्रॉफी इधर उधर कुछ भी नहीं होने वाला है, आप वही लीग से स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। बट अगर आप गोल्ड फाइव, गोल्ड फोर, गोल्ड थ्री एंड गोल्ड टू में अपना जर्नी खत्म करते हो, टियर है रिसेट होकर आएगा गोल्ड फाइव में, और अगर आप गोल्ड वन, प्लैटिनम फाइव एंड प्लैटिनम फोर में खत्म करते अपने जर्नी, तो आपका जो टीयर है वो रिसेट होकर आएगा गोल्ड फोर में। उसी के साथ साथ अगर आप प्लैटिनम थ्री, प्लैटिनम टू एंड प्लैटिनम वन में अपना जर्नी खत्म करते हो तो आपका ट्रॉफी है वो रिसेट होकर आएगा गोल्ड थ्री में। और उसके बाद डायमंड फाइव, डायमंड फोर एंड डायमंड थ्री में अपना जर्नी अगर आप खत्म करते हो तो गोल्ड टू में ट्रॉफी रिसेट होकर आने वाला है। उसके बाद अगर आप डायमंड टू एंड डायमंड वन में खत्म करते हो तो गोल्ड वन में आपका ट्रॉफी रिसेट होकर आ जाएगा। और अगर आप क्राउन फाइव एंड क्राउन फोर एनी हाउ पहुँच चुके हो तो प्लैटिनम फाइव में आपका ट्रॉफी रिसेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप क्राउन थ्री, क्राउन टू में अपना जर्नी खत्म करते हो ये सीजन का, तो आपका जो न्यू जर्नी स्टार्ट होगा वो प्लैटिनम फोर से होने वाला है। और अगर आप एनी हाउ क्राउन वन पहुंच जाते हो, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप क्राउन टू में हो या क्राउन थ्री में हो तो आप दो दिन और थोड़ा ज्यादा खेल लो, क्योंकि 100 ट्रॉफी का आपको बूस्टअप मिल जाएगा। तो अगर आप क्राउन वन में अपना जर्नी खत्म करते हो ये सीजन का, तो नेक्स्ट जो सीजन होने वाला है आपका टीयर स्टार्ट वो होगा प्लैटिनम थ्री से, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे एस पूरा लीग और एस मास्टर 4700 ट्रॉफी से लेकर 4800 ट्रॉफी के अंदर आपका अगर टीयर रहता है तो आप प्लैटिनम टू से नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। उसके बाद अगर आप मास्टर लीग का 4800 ट्रॉफी से ऊपर जितना भी लीग आता है उसमें आपका एस डोमिनेटर भी आता है, कॉन्करर भी आता है, तो ये लीग में अगर आप रहते हो तो आप सबका ट्रॉफी खत्म होकर आएगा प्लैटिनम वन में। तो मैक्सिमम लोगों का प्लैटिनम वन से न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत इजीली बहुत लोग इस बार डोमिनेटर पहुंच चुके हैं, हैकर बहुत हद तक कम गया, इसलिए तो आप प्लैटिनम वन से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो M9 रॉयल पास का या C2 S5 सीजन का, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज के ये वीडियो को इतना रखते हैं। डेफिनेटली कमेंट करना मत भूलना, केवल आपका कैरेक्टर आईडी, अपना वर्जन लिख देना। अगर आप लकी विनर रहेंगे डेफिनेटली यूट्यूब से 4 लकी बंदे को रॉयल पास मिल जाएगा और डिस्कॉर्ड में 1 लकी बंदे को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।